खुश तो बात हो गई था। आज आ चुका है सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल। लेक्चर कार्ड लेके आया है आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट, जिसमें ICSI ने न्यू सिलेबस के अंदर लगने वाले सारे स्टडी मटेरियल लॉन्च कर दिए हैं। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ICSI के रीसेंट नोटिफिकेशन में CS अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये जो लॉन्च हुआ है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। इससे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत जल्दी ही बाकी लेवल्स के लिए भी लॉन्च कर दिए जाएंगे नए स्टडी मटेरियल। अच्छा, इसमें अपडेट देने वाली मुख्यतः बात ये है कि एक बार ये देख लेते हैं कि जो नए स्टडी मैट्स आए हैं या जो नए सब्जेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उनके सब्जेक्ट के नाम का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है ग्रुप वन का पेपर वन, JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ये पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है। सेकेंड सब्जेक्ट है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में भी ऑब्वियसली ये गॉड सब्जेक्ट होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और रिसेंटली जो अभी हमारे पेपर्स हुए थे लास्ट अटेम्प्ट के, उसमें ये देखा गया था कि इवन अकाउंट्स में या सिक्योरिटीज लॉज में भी कंपनी लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी मात्रा में पूछे गए थे। तीसरा आपका पेपर है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। यहाँ पे जैसे पहले हमारे सब्जेक्ट में था SBEC, जिसको हम शॉर्ट में कहते थे, कि क्लोजर रिलेटेड जो प्रोविजंस थे किसी कंपनी के, वो सारे भी इंक्लूड किए गए थे। स्टडी मैट देखने के बाद हमें ये और जानकारी मिलेगी कि क्या वो प्रोविजंस, क्या वो जो इंक्लूजन्स थे वो एज इट इज़ है कि नहीं। नेक्स्ट है पेपर नंबर 4, कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, कॉरपोरेट अकाउंटिंग के साथ पहले जो 2017 सिलेबस था, उसमें कॉस्टिंग का पार्ट लगा करता था, राइट। पर अभी क्या किया है, जो स्टैंड अलोन एक सब्जेक्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग था, वो रहन दिया गया है। और एक दूसरा जो पेपर लगा करता था ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 2 में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पार्ट को उठाया गया है और पेपर नंबर 4 के साथ जोड़ दिया गया है। तो हमारे ग्रुप 1 के 4 पेपर्स बनते हैं। सबसे पहला JIGL, दूसरा है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, तीसरा है SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, जो पहले SBEC नाम से जाना जाता था, एंड चौथा है कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां तक तो बात हो गई, तो अब चलते हैं ग्रुप 2 के पेपर्स में। ग्रुप 2 में सबसे पहला पेपर है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज। अच्छा, मजे की एक बात बताऊं, जब हम पढ़ रहे थे तब पेपर का नाम ऐसा ही हुआ करता था, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज। फिर बीच में जब नए सिलेबस आए थे 2017 सिलेबस, तब इसका नाम SLCM किया गया था, मतलब सिक्योरिटीज लॉज वॉज फॉर 70 मार्क्स एंड कैपिटल मार्केट वाला पार्ट 30 मार्क्स के लिए था। अब यहाँ पे वापस से कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज इस सब्जेक्ट का नाम कर दिया गया है। तो जब हम पढ़ रहे थे, हम इसको CMSL बुलाते थे, बड़ी मुश्किल से हमने आदत डाली थी इसको SLCM बुलाने की। अब वापस इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है CMSL। चलते हैं अगले पेपर की ओर, विच इज़ पेपर नंबर 6, ECIPL, जिसका पहले नाम होता था EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस। अब इसमें इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस तो एज इट इज़ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस इसमें ऐड कर दिया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चेंज बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक कंपनी सेक्रेटरी IPR रिलेटेड फील्ड्स में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल है, और एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस का अरीना और स्कोप होता है CS के लिए। तो आप अगर इसको अभी से पढ़ते हैं, इसके ऊपर एक अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और इसको इतने बड़े पोर्शन के लिए ऐड करना इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। लास्ट पेपर इज पेपर नंबर 7। तुम बोलोगे 8 पेपर होते थे, ये 7 पेपर कैसे हो गए? तो नए सिलेबस में आपको सिर्फ 7 पेपर्स हैं, और 7th पेपर सबका चहेता हमारा अपना टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। बहुत डर लगता है कुछ CS स्टूडेंट्स को टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस वाले पेपर से। मजे की बात इसमें और ये भी है कि पहले ये ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, अभी ये पेपर सब्जेक्टिव हो गया है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पेपर भी अब सब्जेक्टिव पेपर है। तो भले ही पेपर हो गए हैं 7, पर फिर भी
आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर पहले हुआ करता था, जो प्रैक्टिकल पेपर थे, कॉस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, वो अब हो गए हैं सब्जेक्टिव पेपर्स हो गए हैं, राइट। अच्छा, अब इसमें एक बार हम क्रक्स में सब समझ लेते हैं। जोरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपके ग्रुप वन के चार पेपर बनते हैं। ग्रुप टू के आपके तीन पेपर बनते हैं, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। सेवेंथ पेपर है आपका टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ के ये तीन पेपर हो गए। अच्छा, एक इन सारी चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि अब जो पेपर्स होंगे, जो न्यू सिलेबस के अंदर पेपर्स होने वाले हैं, इनमें इनके अंदर ICSI की आपसे ये एक टोटल हिडन एक्सपेक्टेशन है कि आपका इंटरप्रिटेटिव कैपेबिलिटी या इंटरप्रिटेटिव जो आपका एंगल है लॉ को समझने का, वो ज़्यादा अच्छा हो। देखो, पेपर को ऑब्जेक्टिव के बदले सब्जेक्टिव करने का मेन पर्पज़ ही यही है। इनफैक्ट न्यू सिलेबस का जो नोटिफिकेशन है, उसमें ICSI ने स्पेसिफिकली इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे वेटेज रहेगा। तो मान लीजिए, लेट्स से कि आपका 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है, आपको 60-70 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको आउट ऑफ दैट 100 मार्क्स का पेपर बचे 30-40-20-25 मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। मतलब वहां रट के भी काम नहीं चलेगा, वहां आपकी इंटरप्रिटेटिव एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज बड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप ये मॉड्यूल्स डाउनलोड कहाँ से करेंगे? आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाएंगे और आप अपने मॉड्यूल्स को, स्टडी मैट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी शंका हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर करिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि इतनी ताज़ा और इतनी फास्ट न्यूज़ आप तक पहुँचाने के लिए हमेशा ही हमें श्रेय मिलता आया है, और इस बार भी हम आपके लिए न्यूज़ लेके आए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जाने के पहले, आज ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। मतलब जो स्टूडेंट्स आज तक अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं CS एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए, वो अपकमिंग जून 2023 में ग्रुप वन का पेपर दे सकते हैं, या जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं जो नवंबर में या उसके पहले पेपर पास कर चुके हैं, वो बच्चे अपने आपको एनरोल करके जून में, अपकमिंग जून 23 में पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।